होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की मानसिक बैठक रखी गई, जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के मध्य प्रांतीय अध्यक्ष श्री लीलाधर जी राजपूत ने बताया कि किसानों पर हो रहा अत्याचार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी सरकार सत्ता में हो, पूरे किसानों का कर्ज माफ करवा कर रहेंगे। श्री राजपूत ने यह भी बताया कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जल्द से जल्द लागू की जाए, नहीं तो हमारा संगठन उग्र आंदोलन करेगा। किसानों की उदार समय पर खरीदी जाए और किसान की फसलों की खरीदी की गारंटी का कानून लोकसभा में करवाना चाहिए। चुनाव के दौरान जो घोषणा पत्र को भी कानून के दायरे में लाना चाहिए। देखिए सिवनी मालवा से प्रमोद पटेल की खास रिपोर्ट आज की आवाज। ज्ञापन ना किसानों की समस्याओं को लेकर दिया गया है। खास तौर से जो उड़द उत्पादक किसान है उनकी उड़द खरीदने को FAQ के मानदंड को लेकर के उनकी उपज खरीदी नहीं जा रही है। तो हमारा ये मानना है कि जो FAQ का मानदंड है वो किसान उसको उसके नियंत्रण से बाहर है। किसान के क्यों है कि खेती जो होती है वो खुले मौसम में होती है, खुले आसमान के नीचे होती है, कोई फैक्ट्री में उसका उत्पादन होता नहीं है। भाई हम खेती में जो उपज पैदा करते हैं उस पर हमारा क्वालिटी के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता, क्योंकि मौसम को उतार चढ़ाव उस पर कई प्रकार के असर डालते हैं। तो हमारा ये निवेदन है कि किसान का जो नियंत्रण है, साफ सफाई हम कर सकते हैं, पंखा लगा सकते हैं, चल्ला लगा सकते हैं, और जो ग्रेडिंग मशीन है उन पे ग्रेडिंग करवा के किसान ले जा रहे हैं फिर भी नहीं खरीदी जा रही है, तो ये सरकार की नियत में खोट दिखाई देती है। हमारा आज का ज्ञापन देने का उद्देश्य है कि हर उड़द किसान जो उड़द उत्पादक किसान है उसकी उपज को खरीदा जाना चाहिए, ये हमारा निवेदन है। और आपके माध्यम से भी हम ये ऊपर तक केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। यदि मांग पूरी नहीं होती तो राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ हमारे पास तो एक ही है कि अभी हमने अल्टीमेटम दिया है, हमने आपको अवगत कराया है कि इसमें किसान की कोई गलती नहीं है, और अगर उपज को नहीं खरीदी गई तो फिर जबरदस्त आंदोलन बिल्कुल नजदीक आने वाले भविष्य में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं जी। कि किसानों के संपूर्ण कर्जों को किसानों को मुक्त करा जाए कर्जों से। दूसरा उसकी फसलों के जो दाम है, जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट सरकार के पास लंबित है उसके मुताबिक किसानों की उपजों के दाम निर्धारित किए जाए, ये हमारी आगे की रणनीति है। दूसरा ये है कि उनकी जो उपज है जितने भी प्रकार की है, किसान जो भी उपज पैदा करता है उसकी खरीदी की गारंटी का कानून लोकसभा में बनना चाहिए। और एक और हमारी चौथी मांग ये है कि आप जो चुनाव के दौर में जो घोषणा पत्र राजनीतिक दल जारी करते हैं उनको कानून के दायरे में लाना चाहिए, ताकि आप झूठ बोल करके किसानों से वोट लेकर के और बाद में कहते हैं कि ये तो जुमलेबाजी थी। ये जो लोकतंत्र है उसमें ये सब नहीं चलेगा। ये हमारी चार मांगे प्रमुख आने वाले समय के लिए हैं। फसल की गारंटी होना चाहिए। हम आपसे निवेदन करते हैं आपके माध्यम से, आप भी हमारे भाई गुरु भाई मानते हैं हम मीडिया को, क्योंकि हम भी स्वतंत्र रूप से लोकतंत्र के रक्षा का काम कर रहे हैं और आप भी चौथे स्तंभ के रूप में लोकतंत्र के हित रक्षा का काम कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि किसान की क्या गलती है जो इतनी सारी परेशानियां उसके साथ डाली जाती। अभी मंडी में किसान जब अपनी उपज बेचने जा रहा है उसको भुगतान नहीं हो रहा है। आप बताइए, जहां हमको खाद उधारी में मिलता है एक दिन के लिए भी कहीं उधारी का स्टॉल लगा दो आप हमारे लिए। अभी एक मामला आया है, गुरंजघाट समिति का मामला है, जहां की जगह अमानक उड़द मिली है जिसके ऊपर टेक भी लग गए थे और सिलाई भी हो गई है जी। अधिकांश किसानों का कहना है कि कहीं ना कहीं साठगांठ करके पैसे लेकर उड़द खरीदी जा रही थी जी। यदि किसी प्रकार का मामला दर्ज नहीं होता है या कार्रवाई नहीं होती है तो आपका संगठन इसके खिलाफ क्या आंदोलन करेगा? निश्चित रूप से करेगा, हम उसके भी हामी हैं। हम किसानों को ये कभी नहीं कहेंगे कि आप हर कुछ कचरा मिट्टी लाल के और वहाँ डाले आओ। हम भी ये चाहते हैं कि जो उसके नियंत्रण में है वो पंखा लगाए, चलना लगाए, ये साफ सफाई करने का उसका नियंत्रण का काम है, फसल को साफ सफाई कर सकता है। लेकिन समान गुणवत्ता तो कारखाने में ही बनाई जा सकती है किसी भी चीज की, उपज की हमारी गुणवत्ता पे नियंत्रण नहीं। आज वो अमानक उड़द किसानों के द्वारा ही पकड़ी गई थी। हाँ, अब इसमें अभी लिखित में आवेदन दिया है, सब कुछ हुआ है जी, लेकिन आगे क्या आपको लगता है प्रशासन कार्रवाई करेगा? नहीं, उसको करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो हम करवाएंगे, हम दबाव देके करवाएंगे, हम आंदोलन करके करवाएंगे। अगर गलत है तो उसको गलत हम मानते हैं, लेकिन जो सही है उसको भी सही करिए आप, ये भी हमारा निवेदन है।
आपके माध्यम से सभी सरकारों पे, चाहे राज्य सरकार हो चाहे राष्ट्र की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, ये हमारा उनसे कहना है कि जो किसानों की समस्या है उनका निश्चित समय सीमा में उनका निराकरण होना चाहिए।